इस वीडियो के अंदर मैं जिस बिजनेस की बात करने वाला हूं, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में आप सारा बना बनाया माल एक ही बंदे को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। दोस्तों काफी लोगों के कमेंट्स आते थे, काफी लोगों ने मुझे बताया कि सर हम लोगों को मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, इस वजह से ऐसा कोई कॉन्टेक्ट बताइए जहां पर हम सारा माल बना करके एक ही बंदे को मैन्युफैक्चरर कर सके। तो मैं इस वीडियो के अंदर उसकी सारी जानकारी आपको प्रैक्टिकली देने वाला हूं, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट चीजें बता देता हूं जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी, जो कि आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है इस बिजनेस के अंदर भी, आगे चल करके जो भी बिजनेस आते हैं हर बिजनेस के अंदर आपको ये सारी चीजें हमेशा काम आएगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने तब आती है जब हमें जितना पैसा हमने उस बिजनेस के अंदर लगाया उस हिसाब से अगर हमें प्रॉफिट नहीं मिलता है तो हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, पूरा नर्वस हो जाते हैं। उसके बाद में काफी दिनों तक अगर हमारा बिजनेस सही से नहीं चलता है तो हम उस बिजनेस को बंद करके घर पे बैठ जाते हैं। कुछ लोग तो नशे का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट किया उसके अंदर जो भी आइटम्स हमारे लगे हैं, जो भी मटेरियल लगा है उसको हाफ रेट पर बेच करके कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, हमारे इंडिया के अंदर अगर हम कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं हर बिजनेस के अंदर आपको दुनिया भर का कंपटीशन मिलेगा। तो हमें क्या करना है, उस भीड़ चाल से हट करके कोई ऐसा बिजनेस करना है जिसे हम अच्छे पैसे कमा सके। दूसरी चीज दोस्तों, अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर सफलता प्राप्त करने का सबसे मेन कारण ये होती है, सबसे पहला कारण तो ये होता है अगर हम सफल करना चाहते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके अंदर हमारा जो बोलने का तरीका है वो एक अट्रैक्टिव होना चाहिए, हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए बिजनेस का। इसके अलावा हमारा बोलने का तरीका अट्रैक्टिव होना चाहिए, सामने वाले बंदे को ये लगना चाहिए कि हम उसके अपने हैं। आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिस प्रोडक्ट को आप इंडिया के अंदर नहीं इंडिया के बाहर भी सेल कर सकते हैं। दोस्तों ये एक इतना ज्यादा डिमांडेबल बिजनेस आइडिया है, इसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स है, इसका ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो इस प्रोडक्ट को खरीदना नहीं चाहेगा, और मार्केट में यह बहुत ही धड़ाधड़ बिक रहा है, बहुत ही तेजी से यह बिकता है और इसका बिजनेस हर बंदा नहीं करता है। इसके लिए नहीं करता है क्योंकि लोगों को इसके बिजनेस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। मैं दोस्तों गारंटी देता हूं इस चीज की, अगर आप एक सब डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, मतलब एक तहसील वाइज एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर आप ट्राई करके देख लीजिए, आपको इसका बिजनेस करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। आप खुद से ट्राई करें, आपको खुद से यकीन हो जाएगा कि हाँ सच में ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिलेगा। एक तहसील के अंदर काफी ज्यादा गांव आते हैं, आप सभी लोगों को पता है, जितने भी लोग हैं सब लोग आप ही से वो माल परचेज करेंगे। तो ये तो हो गया आपका ये तरीका कि आप उन लोगों को परचेज मतलब सेल कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका जो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूं। दोस्तों अब बात ये आती है कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसे हम कर सकते हैं, और दोस्तों दूसरी बात और मैं आपको इस बिजनेस की बता दूं, आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा घर बैठे ही कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप सच में एक रियल तरीके से इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो पर डे आप 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की भी इनकम आप इस बिजनेस से कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपको जो मैं पहले ही बताया था वीडियो के अंदर कि आपको ऐसे कुछ बायर्स के कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह उनकी डिटेल्स वगैरह मैं दूंगा इस वीडियो के अंदर, जिससे आप अपना बना बनाया माल सारा उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, एक ही बंदे को माल बेच करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस प्रोडक्ट को बनाना सिखा देता हूँ, इस प्रोडक्ट को कैसे बना सकते हैं, उसके बाद में आपको सारी जानकारी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर इस प्रोडक्ट को बनाना भी देख लिया होगा, लेकिन अभी तक आप लोगों को ये नहीं पता कि ये प्रोडक्ट क्या है, तो मैं आपको इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता देता हूं। कुछ बेनिफिट्स आपको मैं बताने वाला हूं, सभी बेनिफिट्स अगर मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो एक घंटे का हो जाएगा, लेकिन कुछ बेनिफिट्स के साथ में मैं आपको इसके प्रोडक्ट का नाम भी बता दूंगा कि ये प्रोडक्ट क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहले हम इसके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में इसकी सारी जानकारी देने वाला।
फिटकरी एक बहु उपयोगी पदार्थ है जिसका प्रयोग पानी को साफ करने से लेकर ब्यूटी उत्पाद के रूप में भी किया जाता है। आमतौर पर इसका प्रयोग शेविंग करने के बाद किया जाता है, लेकिन इसके और भी कई लाभ होते हैं। हर घर में आसानी से उपलब्ध होने वाली फिटकरी को भारी रूप में ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ब्यूटीशियन रचना बजाज बताती है कि चीन में इसे औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ये पदार्थ बालों से गंदगी को दूर करने, चेहरे की झुर्रियों को हटाने, पसीने की बदबू को दूर करने और दांतों के लिए फायदेमंद माना गया है। इसे कैसे प्रयोग किया जाता है आइए जानते हैं। पैरों की सूजन, किसी वजह से अगर आपके पैरों में सूजन आ गई है तो फिटकरी का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है। इससे पैरों की टैनिंग भी दूर की जा सकती है और फटी एड़ियों की समस्या भी कम हो जाती है। इसके बाद आता है पसीने की बदबू। गर्मियों में पसीने की समस्या आम बात है, लेकिन बदबू की स्थिति आपको शर्मिंदा कर सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल आपके लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है। चेहरे की झुर्रियाँ, कम उम्र में ही झुर्रियों की समस्या आपको परेशान कर रही है तो फिटकरी आपके लिए आसान उपाय हो सकता है। इससे मुहासों आदि की समस्या से भी बचा जा सकता है, लेकिन इसके अलावा डाइट को भी सही बनाए रखें। दांतों के लिए, अक्सर लोग दांतों में दर्द और सांसों से बदबू आने की परेशानी का सामना करते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फिटकरी आपकी इस परेशानी को दूर कर सकती है क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। तो हमें पता चल गया कि फिटकरी क्या होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब मैं आपको इसकी रेट्स वगैरह बता देता हूँ कि अगर आप इसका बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इसे कहाँ से खरीदेंगे और कितने रेट के अंदर खरीदेंगे और मार्केट के अंदर इसकी क्या वैल्यू है, क्या इसकी प्राइस है मार्केट के अंदर। तो पूरा प्रैक्टिकली मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ कि इसकी क्या क्या प्राइस होने वाली है, उसके बाद मैं आपको इसके बिजनेस के बारे में बताने। दोस्तों, अगर प्रेजेंट टाइम में आपको फिटकरी के पाउडर की रेट देखनी है कि मार्केट में किस रेट से बिक रहा है, तो आपको गूगल क्रोम में सिंपली फिटकरी पाउडर प्राइस डालना होगा। जैसे ही आप इसके अंदर डालेंगे तो इस टाइप का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट में आपको फिटकरी पाउडर दिख रहा होगा, अमेजोन की वेबसाइट दिख रही है। मैं इसको जस्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यह फिटकरी का पाउडर है जो कि मार्केट में 129 रुपये का 100 ग्राम बिक रहा है। अगर हम 1 kg पाउडर की बात करते हैं तो यह 1290 रुपये पर kg के हिसाब से मार्केट के अंदर बहुत ही आसानी से बिक रहा है। प्रूफ आपके सामने है। अगर आप मार्केट से फिटकरी खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। उसके बारे में हम इसको सर्च करेंगे तो हमारे सामने काफ़ी सारा पेज ओपन हो जाएगा। तो अगर हम किसी भी चीज़ को मार्केट से सेल करना चाहते हैं होलसेल रेट में, तो वहाँ पर हमें इंडिया मार्ट की वेबसाइट सबसे फर्स्ट चूज़ करनी होती है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे हमें सेलर्स मिल जाते हैं जो अपने हिसाब से मार्केट में फिटकरी को बेचते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इंडिया मार्ट की वेबसाइट ओपन की है तो यहाँ पर मेरे को 11 रुपये पर kg के हिसाब से फिटकरी मिल जाती है। अगर मैं नीचे चलूँ तो यहाँ पर और भी आपको काफ़ी सारे बायर्स मिल जाएंगे जो यहाँ पर 14 रुपये किलोग्राम से भी बिक रही है। देख सकते हैं आप नीचे, आपको और भी जहाँ पे जैसे 19 रुपये पर kg के हिसाब से बंदा बेच रहा है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारे ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो इस हिसाब से मार्केट के अंदर इस चीज़ को बेचते हैं। तो आपने प्रूफ देख लिया होगा, 11 रुपये पर kg के हिसाब से आसानी से आप फिटकरी को खरीद सकते हैं। आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि हम इसे मार्केट में 11 रुपए पर kg के हिसाब से खरीद सकते हैं और इसका पाउडर बना करके हम इसे 1290 रुपए के हिसाब से मार्केट में रिटेलिंग प्राइस में इसे सेल कर सकते हैं। लेकिन हमें इसे रिटेलिंग प्राइस में सेल नहीं करना है, मैं आपको उस साइट के बारे में भी बताने वाला हूँ जहां पर आप सारा माल एक साथ सेल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं मैं आपको कि अगर आप उसके अनुसार उसके अलावा किसी और को भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आप किसी भी जगह पर किसी भी एरिया में ऑफलाइन मार्केट में इसे 500 रुपए पर kg के हिसाब से बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट 1290 रुपए पर kg के हिसाब से रिटेलिंग में मिल रहा है वो प्रोडक्ट होलसेल रेट में 800 रुपए के करीब का मिलता है। लेकिन हम उस बंदे को यह प्रोडक्ट 500 रुपए पर kg के हिसाब से देंगे तो बंदा खुशी खुशी हमसे यह प्रोडक्ट खरीदेगा। जब हमारी डिमांड आगे बढ़ जाएगी तो उसके बाद में हम इसकी रेट भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ तो उसको ऑफलाइन मार्केट में सेल कर सकते हैं, इसके अलावा हम एक ही बंदे को कैसे सेल कर पाएंगे उसकी सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो GST नंबर लेना अनिवार्य होगा। विदाउट GST के आप इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपको FSSAI का लाइसेंस लेना होगा। FSSAI का लाइसेंस लेने के बाद में आपका एक ब्रांड नेम क्रिएट हो जाता है। आपके ब्रांड के अनुसार आप इस प्रोडक्ट को मार्केट में और जिस वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ वहां पर बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हैं। तो मैं आपको वेबसाइट का बता देता हूँ कि कैसे आप वेबसाइट के ऊपर अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। पूरा प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आप इसे कैसे एक ही बंदे को सेल कर सकते हैं।
अगर आप फिटकरी के पाउडर का बिजनेस करना चाहते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये होती है कि आप मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाते हैं, तो आप मेरे बताए अनुसार अपना फ्री रजिस्ट्रेशन करके यहाँ से आसानी से बायर्स को जितनी चाहे उतनी मात्रा में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए मैंने टाइप कर रखा है फिटकरी पाउडर बायर्स, ठीक है। ये टाइप करने के बाद में हमें इसे सर्च कर देना है। उसके बाद में हमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा, पेज के नीचे आना होगा, तो नीचे हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पर हम फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जहाँ पर हमें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइंड बायर्स एंड इम्पोर्टर्स फ्री रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा, तो क्लिक करते ही हमारे सामने इसका पेज ओपन हो गया है। जब यहाँ पे देख सकते हैं जॉइन ए कम्युनिटी ऑफ ओवर 2,00,000 सप्लायर्स वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर पूरे इंडिया के अंदर ही नहीं, विदेशों के अंदर भी यहाँ से आप अपने माल को सप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस वेबसाइट का नाम है ग्लोबल बायर्स ऑनलाइन। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको बिल्कुल फ्री में रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, मेंबर लॉगिन कॉन्टैक्ट इन्फो। तो यहाँ पर लॉगिन आपका नाम आईडी पासवर्ड वगैरह टाइप करने होंगे, कंपनी का नेम डालना होगा अगर आपकी कंपनी है, अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है तो यहाँ पर आपका कंपनी का नाम भी आ जाएगा। तो अपनी कंपनी का नाम डाल के अपना एड्रेस डालने के बाद में यहाँ पे स्टेट वगैरह जिप कोड जो भी आपका पिन कोड नंबर होता है फ़ोन नंबर होता है ये सारी चीज़ें आपको मेंशन कर देनी होती है। सबसे उसके बाद में आपको ये देख सकते हैं सारा ऑप्शन आपको दिख गया होगा कि कैसे हमें इसके ऊपर साइन इन करना है, लॉगिन करना है। तो आपको इस तरीके से इसके ऊपर लॉगिन आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है लॉगिन करने के अंदर तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो और भी बना दूंगा। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको दुनिया भर के बायर्स मिल जाएंगे जो आपसे आपके प्रोडक्ट को बहुत ही आसानी से खरीद लेंगे, जितनी चाहे उतनी मात्रा में आप अपने प्रोडक्ट को बहुत ही आसानी से इस वेबसाइट के थ्रू सेल कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों काफी सारी वेबसाइट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गई और भी काफी सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी, वहां पर भी आप बिल्कुल फ्री में रजिस्ट्रेशन करके अपने माल को सप्लाई कर सकते हैं।